जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं टेज पार्टी स्कूल में। दोस्तों ध्यान देना कि आपका शॉर्ट वीडियो वाले फीड में नहीं जा रही। आप हर एक तरह से वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेकिन आपका एक भी वीडियो वाले फीड में नहीं गई है। तो मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तो जो टिप्स और ट्रिक आपको क्या लगाएंगे तो आपके हर एक वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी। जो बड़े बड़े क्रिएटर लोग अपने शॉर्ट वीडियो में यूज करते हैं, कौन सा हैशटैग है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे कौन सा सॉन्ग चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे कौन सा वीडियो चल रहा है, आप उस वीडियो पे मुताबिक आप काम करेंगे अपने यूट्यूब वीडियो चैनल पे, तो आपका हर एक वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी, हर एक वीडियो वायरल होगी। तो मैं आपको बताना हूँ कि वो कैसे काम करता है, आपको क्या क्या ट्रिक लगाना पड़ेगा तो आपका ये हर एक वीडियो वायरल होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये है मेरा मोबाइल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मैंने मोबाइल का लॉक खोला है। आपको पहले क्लिक करना है यूट्यूब पे। मैंने क्लिक यूट्यूब पर क्लिक किया। मेरे दोस्तों ध्यान देना, यूट्यूब पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको बैंक जाना है मेरे दोस्तों। फिर ये देख सकते हैं हमारा यूट्यूब ओपन हो गया है। तो ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है गाना, कौन सा हैशटैग चला, वो आपको कैसे पता करेंगे। उसके बाद आपको अपना वीडियो को अपने वीडियो में यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं इस कोने पर निशान दिख रहा है ये तीर का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देख रहे ट्रेंडिंग, यहाँ पे पहला नंबर ट्रेंडिंग का ही ऑप्शन आ गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रेंडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो पे काम करना है तो आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है, आपको लॉन्ग पे काम करना है तो आपको लॉन्ग पे क्लिक करना है। जैसे कि इस समय ये वीडियो जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्तों, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आज आज अभी 2 दिन से ये सारे वीडियो ट्रेंडिंग में ही चल रहे हैं। कोई वीडियो आता है, कोई वीडियो जाता है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा हैशटैग यूज किया गया है तो ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है और कैसे चल रहा है, इसका टाइटल और इसका थंबनेल क्या है, तो इसको आपको कैसे पता करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो को आपको पहले क्लिक करना है। जैसे कि ये वीडियो हमारा ट्रेंडिंग, ये 774 लाख गया है, 1 करोड़ गया है, तो 1 करोड़ वाले वीडियो को आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं ये वीडियो हमारा चलने लगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी डांस ट्रेंडिंग शॉर्ट्स शॉर्ट्स हैशटैग वाईटी शॉर्ट वाईटी हैश डांस, और इस तरह का इसके अंदर हैशटैग दिया हुआ है। तो इसको पहले आपको देख लेना है, फिर उसके बाद आपको चले जाना है सीधा इसके अंदर शेयर के ऑप्शन पे। शेयर ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक कॉपी पे क्लिक कर देना है, लिंक कॉपी पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो इस वीडियो का पूरा बायोडाटा आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल के वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। फिर आपको अपने वीडियो को बैक जाना है, जैसे उसके आपने लिंक को कॉपी कर लिया है। फिर आपको जाना वाईटी टूल, आप प्ले स्टोर पे जाके वाईटी टूल को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे वाईटी टूल हमारे में एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है, उस पर मैंने क्लिक किया है मैं दोस्तों। उसके बाद वो आप यहाँ पे इंटर पे उस जो की लिंक को कॉपी किया था इसको आप यहाँ पे चिपका देना, फिर आपको गो कर देना है। जैसे गो करेंगे तो यहाँ पे जैसे उस वीडियो का पूरा बायोडाटा निकल के आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग, इसमें 6 हैशटैग यूज किया गया है दोस्तों। हैच शॉर्ट, हैच वाईटी शॉर्ट, हैच डांस, हैच अनुष्का क्रेजी, हैच लव और हैच स्कूल लाइफ, इस तरह का हैशटैग यूज किया गया है हमें दोस्तों। इसके अंदर कीवर्ड नहीं यूज किया गया है और डिस्क्रिप्शन लिंक भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ हैशटैग से ये वीडियो वायरल फीड में चला गया है और थंबनेल से भी चला गया है। तो आपको थंबनेल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आपको ये थंबनेल देख सकते हैं दिख रहा है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये थंबनेल अपने अपने वीडियो में लगा भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब वीडियो को एडिट करेंगे तो ये थंबनेल आपको वहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो आपके हर एक वीडियो पे भी आएगा, क्योंकि ये थंबनेल देख के ही सब लोग क्लिक करेंगे। लेकिन आपके वीडियो में कुछ और ही निकलेगा, लेकिन ये थंबनेल लगा रहेगा तो उस पर क्लिक मिलेगा, यानी कि आपके चैनल पर व्यूज आएगा। और आपको मेरे दोस्तों ध्यान देना, आपका हर एक वीडियो 10 सेकंड से या 15 सेकंड के बीच का ही होना चाहिए, यानी कि अपने वीडियो का लेंथ 15 सेकंड के से ज्यादा आपको नहीं रखना है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 लाख से 10 लाख से ज्यादा इस पे 10 करोड़ से ज्यादा इस पे व्यूज आ गया है, और 4,73,735 इस पे व्यूज आ गया लाइक्स आ गया है मेरे दोस्तों, और 937 कमेंट भी आ गया है। इस तरह से अपने हर एक वीडियो का बायोडाटा निकाल सकते हैं वाईटी टूल से उसके लिंक के माध्यम से, तो इसको आपको जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं वो पूरा बायोडाटा इसलिए आपने निकाल ही लिया है, जैसे कि यहाँ पे गो करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये हैशटैग निकाल ही लिया, तो ये हैशटैग अपने हर एक वीडियो में यूज करना है। वो कैसे यूज करेंगे मेरे दोस्तों ध्यान देना, जैसे टाइटल को आप कॉपी कर सकते हैं, टाइटल भी लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, और ये इसको डिस्प्ले लिंक कॉपी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले लिंक इसके अंदर भरा ही नहीं है तो इसको मत कॉपी कीजिए। टाइटल कॉपी कर लीजिए, हैशटैग कॉपी कर लीजिए, और थंबनेल भी कॉपी कर सकते हैं अपने एक कोई भी वीडियो में लगाने के लिए। उसके बाद आपको कैसे यूज करना है मेरे दोस्तों ध्यान देना, मैंने सीधा बैक गया, आपको यूट्यूब क्लिक कर देना है। यूट्यूब क्लिक करेंगे तो आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, जैसे प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, तो आपको जाना है अपने शॉर्ट वीडियो पे। आपको लॉन्ग वीडियो वाले पे वीडियो पे आपको अपने वीडियो नहीं अपलोड करना, शॉर्ट वीडियो ध्यान देना। आपको शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
गैलरी पे आपको ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे लगाना है, यानी कि अपने वीडियो को अपलोड करना है, जो वीडियो आपको अपलोड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं ये वीडियो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्तों, ध्यान देना, जैसे इसको मैंने अभी रोक दिया है, इसके अंदर आपको पहले डन कर देना है। ये 60 सेकंड का वीडियो, इसको मैंने डन कर दिया, ये प्रोसेस ले रहा है मेरे दोस्तों, ये प्रोसेस लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके बाद ये प्रोसेस जब ये ले हो चुकेगा तो इसके अंदर आपको अपना एक थोड़ा टाइटल लिखना है, अपने इस वीडियो में टाइटल लिखना है। कौन सा टाइटल लिखना उसको आपको ध्यान देना है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइटल लिखेंगे तो आपके वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएगा, क्लिकबेट भी होगा। जैसे कि ये हमारे वीडियो को डन कर देंगे, तो डन करेंगे तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया है। तो इस पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं, टेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई भी लिख लेते ओ माई गॉड, या द एंड, एंड तक देखना, दम है तो हंसी रोक के दिखाओ, या किस जिस टॉपिक का वीडियो है इस टॉपिक का भी एक टाइटल इसके अंदर डाल सकते हैं। तो जिस तरह का टाइटल डालेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं दोस्तों ओ माई गॉड, ओ एम जी, ओ एम जी लिख दिया, फिर आपको डन ही करना है मेरे दोस्तों। इस पे आपको कलर चेंज करना है, जैसे मैंने कलर चेंज कर दिया, ये देख सकते हैं डन कर दिया। तो ये जो मेरे दोस्तों इसको आप ये ओ माय गॉड जहां पे लगाएंगे तो इसके अंदर क्लिकबेट होगा कि ये क्या लिखा है, ओ माय गॉड क्या लिखा है, एम जी क्या लिखा है। तो इस तरह से जैसे इसको आपको मैंने बदलाव तो करना, थोड़ा सा ये लाल करना है, आपको लाल कर दिया, अब डन कर देना है। तो ये लिख गया आपको ये, अब ये माय गॉड मैंने अब लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फनी लिख सकते हैं, कॉमेडी लिख सकते हैं, इमोजी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगा देना है और कहीं एक बीच में कहीं भी इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसके चलते आपके वीडियो पे क्लिकबेट आएगा। अब आपको अपने वीडियो में सॉन्ग यूज करना है, आपका कॉमेडी है तो आप कॉमेडी का तो ओरिजिनल सॉन्ग ही रहता है मेरे, तो उसको ध्यान है, लेकिन आपके जो कोई भी वीडियो पे आपके सॉन्ग लगाना है तो आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड सॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का सॉन्ग आ गया। लेकिन ध्यान देना जो टॉप पे चल रहा है सॉन्ग उसको आपको यूज करना है मेरे, तो हर एक वीडियो आपको, हर एक सॉन्ग आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय सॉन्ग, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सॉन्ग आप इस समय ज्यादा वाले फीड में चल रहा है तो आपको उसी को यूज करना है, आपको हर एक सॉन्ग को नहीं यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये सजनी सॉन्ग भी चल रहा है, 2 लाख शॉर्ट वीडियो पे यूज किया गया है मेरे दोस्तों। ये काला चश्मा लगा लीजिए, ये भी 4,20,000 शॉर्ट वीडियो पे इस समय यूज हो रहा है। और यहाँ पे इसको पिंस, ये 60 लाख शॉर्ट वीडियो पे यूज किया गया है। तो इस तरह से आप अपने शॉर्ट वीडियो पे कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं। तो राजा के जातारल लंदन, ये सॉन्ग इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको आपको यूज कर लेना है। जैसे इसको मैंने क्लिक किया है, फिर उसके ऊपर डन कर देना है। जैसे ये सॉन्ग हमारे पे लग के रेडी हो गया, जैसे जैसे मैंने ओपन कर दिया थोड़ा सा, तो ये सॉन्ग लग के रेडी हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर करना है, तो चाहते तो फिल्टर कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो यहाँ पे से आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे पूरा ट्रिक लगाना है, जो कि ट्रिक आपको लगाना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपका वीडियो अपलोड हो गया, यहाँ पे थंबनेल लगाना है, थंबनेल क्लिकबेट होना चाहिए। तो प्लस आके पे क्लिक, ये पेंसिल आके पे क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा जारी ले रहा है। ये प्रोसेस हो जाएगा तो आपका थंबनेल लगाने का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो गया तो ये अंगुली के सहारे से आपको यहाँ पे लेके जाके इसके अंदर कहाँ पे कोई भी अच्छा जहाँ पे चित्र देखिए उस पर आपको रोक देना है। जैसे ये हमारा ऐसे वीडियो तो मैंने ऐसे रोक दिया है, आपको क्लिकबेट थंबनेल यहाँ पे लगा के रोक देना, फिर आपको डन कर देना है। डन कर देंगे तो जिस टॉपिक का हमारा वीडियो है यहाँ पे टाइटल में लिखना है। टाइटल में क्या लिखेंगे, जो टैग आपने वहाँ पे 4 टैग कॉपी किए थे उस टैग को यहाँ पे डालना है मैं तो ध्यान देना। जैसे मैंने बैक गया, थोड़ा सा बैक जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी टाइटल पे चला आया, तो हैशटैग को कॉपी कर लीजिए। हैशटैग के ऊपर कॉपी करेंगे मेरे दोस्तों, जैसे हैशटैग को मैंने कॉपी कर लिया, आल हैशटैग कॉपी हो गया। उसके बाद आपको अपने चले जाना है वीडियो पे, फिर वीडियो पे यहाँ पे हैशटैग पे इसको चिपका देना। जैसे मैंने चिपका दिया वाइट शो और शोर और डांस, इस तरह का मैंने टाइटल चिपका दिया। तो इस हैशटैग के बगल में आपको क्लिक करना है और जिस टॉपिक का आपका वीडियो है उसका टाइटल लिखना है। जिस तरह का आपका गाना है, जैसे जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरह का आपका गाना है उस तरह का आपको इसके अंदर क्लिक कर, जी हाँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना हैश टाइटल डालना है, जो कि जिस टॉपिक आपका वीडियो है उस तरह उस टॉपिक पे आपको टाइटल डालना है। जैसे कि हमारे फनी का वीडियो है तो हम डाल देते हैं फनी, जैसे मैंने फनी डाल दिया है। और इसके अंदर एक इमोजी भी लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, इसके अंदर कोई भी इमोजी लगा दीजिए, फिर आपको बैक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पब्लिक नहीं करना, अनस्टार पे वीडियो को
अपलोड कर देना। जैसे मैंने अनस्टार पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर जैसे दर्शक आपको बच्चों पर नहीं सेलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं है बच्चों के लिए हमारा वीडियो नहीं बना हुआ, इस पर आपको क्लिक करके फिर बैक जाना आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना वीडियो को अपलोड कीजिए। जब ये ट्रिक आपको लगाएंगे अपने हर एक वीडियो में, तो आपका हर एक वीडियो वाले फीड में भी जाएगी। तो जिस तरह से अब मैंने आपको वीडियो अपलोड करने को सिखाया है, जहाँ से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक गाना लेके आना आएंगे, थंबनेल लगाएंगे, हैशटैग लगाएंगे, तो आपका हर एक वीडियो वाले फीड में जाएगा। तो वीडियो लोग बहुत लोगों पसंद करते, तो वीडियो को लाइक करें, चाहे वो सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों। अब ध्यान देना, आपको फिर जाना है YT स्टूडियो में। आपको YT में क्लिक करेंगे तो जो वीडियो इस समय लोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो उस पर आपको काउंटर पर जाना है। काउंटर पर आपको जाएंगे, क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान देना कि आपका जो वीडियो यहाँ पे टॉप पे चलेगा। अभी यहाँ पे नहीं आया हुआ है मेरे दोस्तों, शॉर्ट पे टॉप पे मैंने गया, ये देख सकते हैं ये वीडियो हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, अभी ये वीडियो वहां से यहाँ पे अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी वो वहां से ही अपलोड हो रहा है। यहाँ पे जैसे थे ये आ गया है, मैंने स्कूल किया आ गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे ₹3 क्लिक करना है, ₹3 क्लिक करेंगे, यहाँ पे बदलाव पे क्लिक करिए। इसके अंदर अपना डिस्क्रिप्शन लिंक भरना चाहते हैं तो भरिए, मत भरना चाहते हैं तो मत भरिए। हैशटैग आपका तो लगा ही है, इसको आपको पहले कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी कर लेंगे मैं दोस्तों, फिर आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको इसको चिपका देना है, आपको चिपकाने के बाद आपको सीधा बैक चले आना है। अब यहाँ से आपका वीडियो सेव कर दीजिए। जब ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, तो आपको यहाँ से पब्लिक कर देना किसी भी टाइम पे। तो वीडियो पसंद आएगी तो मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा, टेच पार्टी को जय हिंद, वंदे मातरम।